morning to all of you kids. You're enjoying the classes better, isn't it? Now, we will continue our A and the. मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग नोटबुक में थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जहां पर वॉवल्स नहीं यूज होते हैं वहां पर अ, जहां पर वॉवल्स नहीं यूज होते हैं वहां पर अ। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और वहां पर आज की डेट लिखिए ऊपर और CW यहां ऊपर लिखिएगा, ठीक है? CW यहां ऊपर CW, ठीक है? और फर्स्ट लाइन में ये लिखेंगे A, N, the, ठीक है बेटा? ओके? जहां पर वॉवल्स नहीं होते, अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स A, E, I, O, U, ये क्या है? वॉवल्स है। वॉवल्स क्या है? A, E, I, O, U, ये वॉवल्स है, हमें इन्हें याद रखना है, ठीक है? तो जहां पे ये नहीं होते हैं वहां पर आगे लगता है अ, वहां पर आगे लगता है अ, ठीक है? और जहां पर वॉवल्स होते हैं वहां पर लगता है एन, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये हेडिंग लिख लीजिए, ए एन द। फर्स्ट लाइन में बीच में लिखेंगे हेडिंग ए एन द, फिर नेक्स्ट लाइन से नंबर डालना मत भूलना। नेक्स्ट लाइन से नंबर वन डैश, डैश कहां पे बनाएंगे? ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन वहां पे डैश बनाएंगे। डैश बी यू एस, बस लिखिए नंबर वन बी यू एस, बस। नंबर टू ए डबल पी एल ई, एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। नंबर थ्री डैश बनाएंगे नीचे वाली ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन में डैश बनाएंगे सी यू बी, कब? नंबर थ्री सी यू बी, कब? वेरी गुड, डैश बनाना मत भूलना और बहुत बड़ा डैश नहीं बनाना है क्योंकि हमको वहां सिर्फ ए और एन लिखना है, इसलिए हमारा डैश छोटा होना चाहिए, ठीक है? नंबर फोर आई एन के, इंक, आई एन के, इंक। नंबर फाइव,
नंबर फाइव ब्लू लाइन पे डैश एच ए टी हैट. नंबर सिक्स एस यू एन सन. आई शैल रिपीट फॉर यू. नंबर वन पे डैश करके बस. नंबर टू एप्पल. नंबर थ्री कप. नंबर फोर इंक. नंबर फाइव हैट. नंबर सिक्स सन. आई होप आप सब लोगों ने ये लिख लिया होगा. ठीक है बच्चों, चलो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, आप अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो या कोई भी कलर पेंसिल यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करना है और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है. कभी भी ए एंड द का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करना है. ऐसे अंडरलाइन याने उसके नीचे एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे एक लाइन खींचनी है. फर्स्ट लेटर इसका क्या है? बी. फर्स्ट लेटर क्या है? बी. बी वॉवल है. बी वॉवल है नहीं है तो हम वहां पे डैश में क्या लिखेंगे? अ. अ बस. फिर से पढ़िए मेरे साथ, अ बस. ठीक है, आप लोग अपने लिए नोटबुक के राइट कॉर्नर में ए ई आई ओ यू ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, ताकि आप लोगों को जब जरूरत पड़े तो आप उधर से चेक कर सकें. नाउ लुक एट द सेकेंड वर्ड. फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करिए. फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करिए. वेरी गुड. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? ए. व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? ए. ए वॉवल है. चेक हियर, चेक हियर. ए वॉवल है. इज ए इज वॉवल. देखिए पहला ही लेटर है ए. ए इज अ वॉवल, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? एन. एन. नाउ रीड विथ मी. एन एप्पल. बहुत इजी है बेटा, रीड विथ मी. एन एप्पल. वेरी गुड. मम्मी गिव मी एन एप्पल. Isn't it? There is a bus. हम लोग ऐसे सेंटेंस बाद में बनाना सीखेंगे. ठीक है, अभी हम लोगों को क्या सीखना है कि कोई भी वर्ड के आगे ए एंड द कहां लगाना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर इज थ्री. थ्री के सामने क्या लिखा है? कब. चलो सब लोग अंडरलाइन कर लेते हैं. सी. लेटर सी को अंडरलाइन किया. लेटर सी को अंडरलाइन किया. सी इज अ वॉवल, यस और नो? सी इज अ वॉवल. लुक हियर,
No, C is not a vowel. तो हम लोग यहां लिखेंगे ए, इसको प्रोनाउंस करते हैं अ, हम लोग यहां लिखेंगे अ कप, रिवाइज विथ मी अ कप, मेरे साथ बोलो बच्चों अ कप, वेरी गुड। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर फोर, नंबर फोर पे क्या लिखा है, इंक, आई एन के इंक, फर्स्ट लेटर मैंने तो अंडरलाइन कर लिया, आप लोगों ने किया, नाउ वहां पे क्या आना चाहिए, इज इट अ वॉवल और नॉट, चेक करो वॉवल है, मैच करता है कोई भी लेटर, यस इट इज आई, इट इज आई, तो हम यहां लिखेंगे एन, रिसाइट विथ मी एन इंक, एन इंक, वेरी गुड बच्चे, एन इंक, वापिस रिसाइट करेंगे एन इंक, वेरी गुड बच्चों। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज फाइव, और फाइव के सामने लिखा है हैट, फर्स्ट लेटर हैट का क्या है, एच, यस फर्स्ट लेटर है एच, तो वहां हम क्या लिखेंगे, वॉवल है एच, हमको वॉवल ध्यान में रखने हैं, वॉवल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वॉवल नहीं है इसलिए हम लिखेंगे अ, अ हैट, मेरे साथ बोलो बच्चों अ हैट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सिक्स नंबर, सिक्स नंबर के सामने सन लिखा है, ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आपको एक दिन बताया था, आई हैड टोल्ड यू वन डे दैट कोई भी चीज जो कि अकेली है, दैट इज ओनली वन इन दिस वर्ल्ड, उसके आगे हम न लगाएंगे, तो सन इज द ओनली वन थिंग, ओके दो सन नहीं है ना, देयर इज ओनली वन सन, सो हम सन के आगे द लगाएंगे, द सन लिखा आपने बेटा, वेरी गुड, मेरे साथ पढ़ो द सन, वेरी गुड। नाउ रिवाइज करेंगे अ बस, अ बस, एन एप्पल, एन एप्पल, अ कब, अ कब, एन इंक, एन इंक, उसके नीचे अ हैट, अ हैट, द सन, द सन, वेरी गुड। अब आप लोगों ने ये सब लिख लिया है तो मैं इसको इरेज करूंगी, मैं रब करूंगी और आप लोग नेक्स्ट पेज पर एच डब्ल्यू लिख लीजिए ऊपर, एच डब्ल्यू, हेडिंग डालिए
ए एंड द हेडिंग ए एंड द हेडिंग डालनी है फर्स्ट लाइन पे, ठीक है. अब नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर लिखते समय भी डाल सकते हो, नंबर डालो और राइट कॉर्नर पे हमें ए ई आई ओ यू लिखना है. ए ई आई ओ यू, ठीक है. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगी. नंबर वन बैट, बैट. ओके बैट, बैट. नंबर टू आई सी ई, आइस. आइस यानी बर्फ. नंबर टू आई सी ई, आइस. वेरी गुड. नंबर थ्री run. रन. नंबर थ्री run. रन. वेरी गुड बच्चे लो. नंबर फोर ant. एंड. नंबर थ्री में मैंने गलती करी है. आप वहां रन की जगह रेड. मैंने गलती की है, आप उसको ठीक कर लीजिए बेटा. आर ई डी, रेड. नंबर फोर पे एंट. ए एन टी, एंट. नंबर फाइव एम डबल ओ एन, मून. नंबर फाइव एम डबल ओ एन, मून. नंबर सिक्स ई डबल जी, एग. नंबर सिक्स ई डबल जी, एग. नंबर सिक्स ई डबल जी, एग. सो किड्स, ये आपका होमवर्क, ठीक है. ओके बच्चों, बाय.